हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आज है गणेश विसर्जन, तो जो कहते हैं गणेश जी लाए थे आज, उनका वो गणेश विसर्जन जो हुआ, देखो मेरे बाल कैसे नहा के, मैं ना कंघी कर पाई ना कुछ कर पाया। और अभी मैंने बनाई है गणेश जी की घास की माला, मैंने नहीं बनाई, कहते हैं मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है अभिषेक, उसने मेरी हेल्प करी है, क्योंकि वो लेके आया था और कहते हैं लड्डू फिर मुझे कुछ करने नहीं देते, तो मैंने कहा भाई तू मेरी हेल्प कर जा। वो बेचारा पूरी मेरी हेल्प करके गया और वो बनाई है। और अब कहते हैं अब उनका गणेश विसर्जन का टाइम होने वाला है, तो अब मैं होंगी रेडी। रेडी कुछ नहीं, बस सूट डालना है। अब वो गली में ही करेंगे, कहीं लेके नहीं जाएंगे। सर जब घर पे करते हैं ना सब, तो वो घर पे ही करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, और कहते मैं अब ये अगर ये सोती रही तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेली चली जाऊँगी, उठ गई तो लेके जाऊँगी। वो सब मैं धीरे धीरे अपना हो जाऊंगी तैयार, सूट डालना, और बस थोड़ी सी बिंदी लगी हुई है, लिपस्टिक लिपस्टिक लगाने में मुझे कुछ नहीं लगा। और अभिषेक बनाने लगे थे माला, मैं उससे कहती भाई तू कहता पूरी इतनी सारी एक छोटी सी माला बनाने के लिए इतना सारा लेके आया, पूरा पार्क के उजाड़ के ले आया तो। और यहाँ पे मेरी तीन बन गई, जो कि हमें 11 बनानी थी, 11 की बनती है माला। और ये है वो लड़का जो मेरी हेल्प कर रहा है, ये लेके भी आया बेचारा, मेरी हेल्प कर रहा है, कह रहा चलो भाभी मैं बनवा दूंगा आपकी माला। मैं चल भाई तू बनवा दे और मेरा ये काम हो जाएगा। अच्छा है ना, मना नहीं करता, और अच्छा भी तो कोई तुम्हारा काम करवा दे फटाफट से, नहीं तो खुद अकेले लगा रहना पड़ता है। यहाँ पे बन चुकी है मेरी माला, देखो बिल्कुल रेडी है, और मैंने इसे प्लेट में रख लिया। और देखो कितनी सारी घास उसके बावजूद माला बनने के बाद ही बच गई। फिर मैं मम्मी से बोल रही थी इसे रख देना, अब मैं जैसे हम घूमने जाते हैं तो मैं वहाँ पे गाय को दे दूंगी। और इधर मेरा लड्डू सो रहा है, देखो सोया पड़ा है। मूली साफ, मूली की हम शाम को बनाएंगे भुजिया, कब बनाएंगे? शाम को बनेंगे हमारे मूली की भुजिया, और आज सुबह बना है हमारे राजमा। और मुझे पता ही नहीं था कि आज इकाज से इस माले में कल राजमा भिगो देता, तो आज मैं राजमा बना दूँ। चलो कोई नहीं, रोटी से भी इंजॉय कर लेंगे, रोटी भी खा लेंगे। आइए वाला सूप कर गणपति बाप्पा मोरिया, ओम गण गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति। उसके बाद फिर मैं पहुंच गई थी गणपति विसर्जन पे, जहाँ की आरती हो रही थी और जो भी तैयारी हो रही थी वो सब तैयारी हो रही थी जो भी गणपति विसर्जन में होती है। यहाँ पे सभी लोग आरती कर रहे थे, और कहते मैं भी सही टाइम पे पहुंच गई कि मुझे हाँ आरती मिल गई। के बाद जो मैंने माला पहनाई थी बनाई थी सॉरी, वो मैंने गणपति जी को पहना दी थी। मैं कह ही गणपति बप्पा आप सभी की मनोकामना पूरी करना, और बाद में फिर मेरी भी मनोकामना पूरी करना, क्योंकि पहले सबका भला करो फिर बाद में मेरा करना जरूर। लेकिन
उसके बाद मिला हमें प्रसाद और हम प्रसाद लेकर आए अपने घर। हमें सारे पसीने पसीने, बहुत गर्मी हो रही थी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। हो गणपति पापा जी का विसर्जन। आई होप गणपति पापा जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें, वही बाद में मेरी भी करें। और ये रहा मेरा लड्डू, लड्डू भी मेरा ऐसा हो रहा है। लड्डू फ्रैंकिश कर दो, फ्रैंकिश कर दो। मम्मी, मम्मी, मम्मी।